आज हम बना रहे हैं हैदराबाद का मसूर दम किया हुआ कीमा या दम का कीमा। चलिए बनाते हैं। अब एक लगन में लेंगे हम देसी घी 125 ml से 150 ml तक, 300 ग्राम कटा हुआ स्लाइस प्याज, और इसे अच्छे से चला के हमें भूनना है। और प्याज को हमें तब तक भूनेंगे जब तक प्याज हमारा पूरी अच्छे तरीके से ब्राउन ना हो जाए। लगाते हैं ढक्कन और पकने देते हैं। अब लेंगे एक परात और इसमें डालते हैं आधा किलो हाथ से मिंस किया हुआ कीमा। आप बुचर से बोलिएगा वो हाथ से आपको करके दे। अब मिलाते हैं एक चम्मच पपीते का पेस्ट और एक चम्मच ही मिलाएंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिलाते हैं एक चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम मिलाएंगे फेटी हुई दही, और दही हम ले रहे हैं 150 ग्राम, और अब अच्छे से कीमा को हम मैरिनेट करेंगे ताकि मैरिनेशन होने की वजह से कीमा में जो स्वाद है वो अच्छे से निकल के आए। चलिए हटाते हैं ढक्कन और प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। प्याज को अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि एक्सेस घी निकल जाए, और उसके बाद प्याज बरिस्ता जो हमने तैयार किया है उसे भी डाल देंगे परात में, और हाथों से खोल देंगे ताकि गर्मी निकल जाए। अब एक पैन में सेम वही घी ले रहे हैं जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया है, और यहाँ पे हम डालते हैं 30 बादाम, और साथ में हम डालेंगे 15 से 20 ग्राम गड़ी गोला, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और कबाब चीनी। डालते हैं खसखस, और खसखस हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच, अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये देखिए कबाब चीनी हूबहू देखने में काली मिर्च की तरह होती है, जिसमें ऊपर की ओर आपको एक पतला सा डंडल दिखेगा, और यही इसकी पहचान होती है। ये एक डोमिनेट स्पाइस है। अब इसे ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद हम लेंगे एक मिक्सी का जार और डालते हैं पानी और बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। पेस्ट बनके तैयार है, इसे मिलाते हैं और अब ब्राउन ओनियन को भी हाथ से क्रश कर लेंगे, और अब कीमा को अच्छे तरीके से मलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इससे कीमा में गांठे नहीं पड़ेंगे और कीमा अच्छे तरीके से दम होके पकेगा। अब ऊपर से मिलाते हैं एक चुटकी जावित्री का पाउडर, मिलाते हैं नमक स्वाद अनुसार, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं कीमा हमारा धीरे धीरे करके नरम पड़ते जा रहा है, और अब ऊपर से हम मिलाएंगे नींबू का जूस, और आप देख सकते हैं कि कीमा कितना खूबसूरत कितना प्यारा दिख रहा है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा कीमा बनके तैयार है। कीमा को हम मिला देंगे लगन में, और इसी लगन में हमने प्याज को तला था तो घी हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से फैला लीजिए। ऊपर से हम लगाएंगे ढक्कन और रखते हैं एक वेट। 3 से 4 मिनट तक तेज आंच में पकाते हैं, फिर स्लो कर देंगे आंच को, और कम से कम 40 मिनट तक हम पकाएंगे स्लो आंच पे। 3 से 4 मिनट हो जाए तो इसे आंच से उतारिए, एक गर्म तवा प्लेस कीजिए, गैस के फ्लेम को स्लो कर दीजिए, और अब हम 40 से 45 मिनट तक स्लो आंच में पकाते हैं। ढक्कन हटाते हैं और अब हम डालेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, कटा हुआ धनिया और कटा हुआ पुदीना। अच्छे से मिक्स करते हैं और आप कीमे की रंगत को देखिए। फायर को बंद नहीं करना है, अभी प्रोसेस चालू है। अब ढक्कन हटाएंगे और इस तरह से हम जगह बनाते हैं, बीच में डालते हैं कटोरी, डालते हैं एक लाइव
बर्निंग चारकोल। हैदराबाद की एक बहुत पुरानी टेक्निक है कि जब भी हम दम का कोई सामान बनाते हैं, दम की कोई आइटम बनाते हैं, तो जैसे दम के लिए ढक्कन खोला जाता था तो उसमें एक लाइव चारकोल डाल दिया जाता था और ढक्कन को वापस से बंद कर दिया जाता। हम कटोरे के अंदर में धुंगार दे रहे हैं। 3 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाना है। यहाँ पे हम चारकोल को निकाल के फेंक देंगे और कटोरी का घी को हम पलट देंगे। अच्छे से चला लेते हैं और हमारा दम दिया हुआ कीमा हैदराबादी बनके तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। हैदराबादी दम दिया हुआ कीमा, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं नान रोटी के साथ, पराठों के साथ और पुलाव के साथ, चावल के साथ। हैदराबादी कुजीन में एक से एक कीमा के आइटम भरे पड़े हैं और उनमें से जो सबसे पॉपुलर और सबसे स्वादिष्ट है वह है दम का कीमा, दम दिया हुआ कीमा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सेबस्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।